Hi guys, I hope you are doing very well. Guys, this video is for all the students who are registered under FIA route, चाहे गलती से, चाहे उनका जो ACCA qualification का minimum criteria था वो fulfill नहीं करते and now they want their degree to be converted in ACCA qualification. तो guys, ultimately देखो हम सबका aim क्या है कि हमें ACCA करनी है and ACCA करना मतलब ACCA qualification करना, not FIA. है ना. अब पॉइंट इज, बहुत सारे बच्चों को डाउट आता है कि सर मे बी बिकॉज ऑफ मिस्टेक वो जल्दबाजी में वो खुद रजिस्ट्रेशन कर रहे थे और एसी से क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करने की बजाय उन्होंने एफआईए रूट में अपने आप को रजिस्टर कर दिया, या फिर कुछ बच्चे थे जिन्होंने जो एसी से क्वालिफिकेशन का जो मिनिमम क्राइटेरिया है दैट इज़ क्लास 12th में उनके इंग्लिश और अकाउंट्स या मैथ्स में मिनिमम 65% होने चाहिए, वो नहीं है एंड दैट्स व्हाई दे हैव रजिस्टर्ड इन एसी से एफआईए. अब पॉइंट ये है कि FIA से ACCA क्वालिफिकेशन में कैसे ट्रांसफ़र करें, क्या उनका सिस्टम है. तो ये चीज़ मैं दो, इस वीडियो को दो पार्ट में मैं बायफर्केट करूँगा. पहला उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने गलती से अपने आपको FIA में रजिस्टर कर लिया, और दूसरा उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका 12th का मिनिमम क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं कर रहा था एंड नाउ दे वॉन्ट द डिग्री टू बी कन्वर्टेड. और एक मैं बात बताऊँ कि दोनों को कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी है. ऐसा नहीं है कि एक को ज़्यादा मेहनत करनी है एक को कम, दोनों को इक्वल एंड मेहनत करनी है एंड दोनों का बिल्कुल सेम एग्ज़ाम, सब कुछ सेम होगा, कोई फ़र्क नहीं है. ये मैं बताता हूँ गाइस कैसे. इससे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ, ये वीडियो में जो भी तुम्हें बताने वाला हूँ वो सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि इट्स रिटन समवेयर, ये ACCA ने कहीं रिटन नहीं दिया है, बट ये जो सारी चीज़ें हैं ये जो पास्ट एक्सपीरियंस हुआ है, पास्ट के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये चीज़ करी है उनसे डिस्कस करके ये सारी चीज़ें निकली हैं एंड देर आर वेरी हाई चांसेस कि ये चीज़ अप्लाई हों. तो पहली बात मैं गाइस उन स्टूडेंट्स के लिए बताता हूँ जिन्होंने गलती से अपने आप को FIA में रजिस्टर कर दिया, 12th का क्राइटेरिया उनका फुलफ़िल हो रहा था एंड दे वांट देमसेल्फ टू बी रजिस्टर्ड इन ACCA क्वालिफिकेशन. अब उन स्टूडेंट्स को गाइस क्या करने, कुछ खास नहीं है, जस्ट ACCA को एक मेल करना, ठीक है, एंड उस मेल में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना और उस मेल में साफ लिखना कि बाय मिस्टेक आई रजिस्टर्ड माय सेल्फ इन ACCA FIA रूट बट आई वांट नाउ टू बी रजिस्टर्ड इन ACCA क्वालिफिकेशन. और उस ईमेल में अपनी 12th की जो मार्कशीट है ओरिजिनल उसकी स्कैन कॉपी भी लगाना और ACCA को बताना कि तुम अपनी डिग्री जो है वो ACCA क्वालिफिकेशन में कन्वर्ट करना चाहते हो और तुम मिनिमम क्राइटेरिया फुलफ़िल कर रहे थे, ठीक है. इसका कोई सेट स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, अपनी लैंग्वेज में बना के लिखना और ये बताना कि तुमने 12th में जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो फुलफ़िल कर लिया था बट बाय मिस्टेक तुमने अपने आपको ACCA FIA में रजिस्टर करा दिया, तो काइंडली कन्वर्ट माय डिग्री इनटू ACCA क्वालिफिकेशन और वो विद इन 4 to 5 days तुम्हारी डिग्री कन्वर्ट कर देंगे, कोई एडिशनल फीस इस चीज़ की तुम्हारे को नहीं देगी, ठीक है. दैट्स इट. एक मेल करना है, मेल कहाँ पे करना है, जो वेबसाइट है दैट इज students@accglobal.com. दैट्स इट, सिर्फ ये करना है और कुछ नहीं करना, तुम्हें कोई एडिशनल फीस नहीं है, कुछ नहीं, बस सिंपल प्रोसेस. लेकिन इंपॉर्टेंट बात, जो ईमेल तुम ACCA को करोगे उसमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ज़रूर लिखना. रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना बहुत ज़रूरी है, वरना ACCA को कैसे पता चलेगा कि कौन अपनी FIA को ACCA क्वालिफिकेशन में कन्वर्ट करना चाहता है ना. हालांकि ईमेल से भी वेरीफाई हो सकता है बट रजिस्ट्रेशन नंबर गाइस बहुत ज़्यादा मैंडेटरी, ठीक है, सिंपल. अब आते हैं वो स्टूडेंट्स जो 12th का जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो फुलफ़िल नहीं करते थे एंड मिनिमम क्राइटेरिया क्या है कि इंग्लिश में एंड अकाउंट्स एंड मैथ्स, इंग्लिश में 65% से ज़्यादा होनी चाहिए और अकाउंट्स या मैथ्स इसमें 65% से ज़्यादा होने चाहिए, वो किसी रीज़न की वजह से फुलफ़िल नहीं कर रहे थे एंड दे हैव टू सिलेक्ट फॉर ACCA FIA. अब इसमें उनके पास एक क्या बहुत अच्छा ऑप्शन है गाइस, देखो सिंपल सी चीज़ है, तुम इसमें जब तुम देखोगे अपना लॉग इन करके तो तुम्हारे को काफ़ी सारे पेपर्स दिखेंगे, FA1, MA1, FA2, MA2, FFA, FMA, FBT एंड कुछ ऑप्शनल्स, है ना. कुछ नहीं, तुम्हें सिर्फ 3 एग्ज़ाम्स देने हैं इसमें से, दैट इज़ FFA, FMA एंड FBT, ठीक है. FFA, FMA एंड FBT ये तीनों पेपर्स एग्जैक्टली सेम है नॉलेज लेवल के ACCA क्वालिफिकेशन F1, F2 एंड F3, ये बिल्कुल सेम है, ठीक है. तुमने सिर्फ ये 3 पेपर्स देने हैं, कोई FA1, MA1, FA2, MA2 नहीं देना, ये 3 पेपर्स देने हैं. ये 3 पेपर्स देने के बाद तुम्हें ACCA को एक मेल लिखनी है एंड उस मेल में उनको यही बोलना है कि तुमने ACCA FIA नहीं, तुमने ACCA क्वालिफिकेशन करनी है, पूरा ACCA कोर्स करना है एंड दैट्स वाई यू वॉन्ट योर डिग्री टू बी कन्वर्टेड इन ACCA क्वालिफिकेशन और तुमने ACCA FIA के जो 3 पेपर्स हैं ये तुमने क्लियर कर लिए, ठीक है. तुम्हें सिर्फ ये मेल बना के उनको भेजनी है, कोई साथ में अटैचमेंट कुछ नहीं करनी, जस्ट अ सिंपल मेल अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखने के बाद कि मैंने FIA के ये 3 पेपर्स क्लियर कर लिए हैं एंड आई वांट माय डिग्री टू बी कन्वर्टेड इन ACCA क्वालिफिकेशन, प्लीज़ कन्वर्ट माय डिग्री इन ACCA क्वालिफिकेशन, ऐसा सिंपल सा मेल बना के उनको भेजना है, ठीक है. काफ़ी हाई चांसेस हैं कि तुम्हारी जो डिग्री है वो ACCA क्वालिफिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगी और तुम्हारे को FA1, MA1, FA2, MA2 देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी.
यस गाइस, मैं अभी भी बता रहा हूँ ये चीज़ जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, दिस इज़ नॉट द फैक्ट। ACCA ने ऐसा रिटर्न कहीं नहीं दिया है कि ऐसा होता है, ठीक है, बट इट इज़ सीन फ्रॉम द पास्ट। बहुत सारे बच्चों के एक्सपीरियंसेस जिनसे मैंने बात की है, जो ऐसे जिन्होंने करा है, जिनके साथ हुआ है, तो उन बच्चों ने मुझे बताया कि ये चीज़ होती है, एंड देर इज़ नो हार्म इन ट्राइंग। अगर इन केस नहीं हुई तो FA1, MA1, FA2, MA2 तो तुम्हें वैसे भी देनी ही है ना, वो तो देनी ही है, तो क्यों ना पहले तुम FFA, FMA, FPT दो, ये मेल ACCA को करो, अगर कन्वर्ट हो गई तो ठीक है, अगर इन केस नहीं कन्वर्ट हुई तो तुम FA1, MA1 वाले चारों पेपर दे देना। अगर तुम्हारी कन्वर्ट डिग्री हो जाती है, ठीक है, अगर तुम्हारी डिग्री कन्वर्ट हो जाती है तो कन्वर्जन के बाद तुम्हारे को नॉलेज लेवल के 3 पेपर्स F1, F2, F3 ये नहीं देने होंगे, क्योंकि तुमने FFA, FMA, FBT दिया हुआ है और वो तीनों पेपर्स तुम्हारे एग्जेम्प्ट हैं, और उसकी एग्जेम्पशन फीस भी तुम्हारे को गाइस नहीं देनी। याद रखना, अगर तुम FIA से ACCA क्वालिफिकेशन में जाते हो तो FIA के जो 3 पेपर्स हैं FFA, FMA, FBT, ये तीनों पेपर्स देने के बाद ACCA क्वालिफिकेशन के 3 पेपर्स तुम्हारे एग्जेम्प्ट हो जाते हैं। एंड नॉर्मली हम सबको पता है कि ACCA को हमें एग्जेम्पशन फीस भी देनी पड़ती है, लेकिन इस केस में एग्जेम्पशन फीस तुम्हें नहीं देनी, क्योंकि 3 पेपर्स तुमने एक्चुअली में करे हैं, चाहे किसी और रूट से, ठीक है। अब इन केस मान लो कि तुम्हारी डिग्री कन्वर्ट नहीं होती, तो कोई बात नहीं, तो FA1, MA1, FA2, MA2 ये भी दे देना, बहुत जल्दी दे सकते हो, इसका पूरा सिलेबस तुम्हारा FFA, FMA, FBT वाला ही है, पूरा सिलेबस वैसा ही है, फटाफट से दो, एंड देन ACCA को एक मेल लिख दो कि मेरी डिग्री मुझे ACCA क्वालिफिकेशन में कन्वर्ट करनी है। कई बच्चों को ये मिसकंसेप्शन होता है कि हमें हमेशा पहले FIA से रजिस्टर होना पड़ेगा, वो करके ACCA क्वालिफिकेशन में जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। FIA इज़ अ डिफरेंट रूट, ACCA क्वालिफिकेशन इज़ अ डिफरेंट रूट। तो ये था गाइस दोनों टाइप के स्टूडेंट्स के लिए, एक तो जिन्होंने FIA में गलती से रजिस्ट्रेशन करा लिया, और दूसरा उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने ACCA FIA में इसलिए रजिस्टर कराया था कि वो मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते थे। तो गाइस इस वीडियो को प्लीज़ जितना हो सकता है मैक्सिमम शेयर करो अपने सारे फ्रेंड्स, जो भी बच्चा नया ACCA करने वाला है, इनफैक्ट जो भी तुम्हारे सर्कल में कोई कहता है कि मैं ACCA करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, उसके साथ ये वीडियो शेयर करो, ताकि ऐसी मिस्टेक्स वो ना करें, क्योंकि हमें हमेशा ACCA क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करनी है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, रजिस्ट्रेशन में कोई गलती ना करे, और अगर गलती कर ली है तो उस गलती को कैसे कवर करें। ठीक है गाइस, आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को तुम लाइक भी कर सकते हो, मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, एंड ऑल द बेस्ट गाइस फॉर स्टडीज, टेक केयर।